हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, आई होप कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर, चैप्टर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो थोड़ा सा इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, वैद्युत आवेश। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। चार्ज की आपकी जो वैद्युत आवेश है बच्चों, वो 2600 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक आपके आए थे जिनका नाम थेल्स था। उन्होंने सबसे पहले महसूस किया था, उन्होंने ये महसूस किया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच में आकर्षण बल आता है। लेकिन उनकी इस बात को इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कोई रीज़न नहीं बता पाया कि कब आता है आकर्षण बल, किन दो वस्तुओं के बीच में लगता है, किस लिए लगता है, दो रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उनकी इस बात को बुक में लिख के छोड़ दिया गया। फिर सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे आपके गिलबर्ट, उन्होंने इनकी बात को इम्पोर्टेंस दिया। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस तरीके के, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ के देखा अलग अलग तरह से। आप कांच की छड़ ले लिया, उसको रेशम के कपड़े पर रगड़ के देखा, तो उन्होंने भी चीज़ देखी कि दोनों के बीच में आकर्षण बल आ रहा था। जैसे आप लोगों ने भी बच्चों देखा होगा कि आप छोटे छोटे पेपर के पीसेस ले लेते हो और स्केल ले लेते हो, उसको रब करके आप पेपर पीसेस उठाते हो। जैसे अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास यहाँ देखिए पेपर पीसेस हैं और एक स्केल है। देखिए अभी हम स्केल से पेपर पीसेस को उठा रहे हैं तो हमारे पेपर पीस देखिए एक भी नहीं उठ रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। अब हम इस स्केल को अपने बालों पर रब करा देते हैं। जब हम बालों पर रब करते हैं उसके बाद हम जब उठाते हैं पेपर पीसेस को, तो ये देखिए इस तरीके से जो पेपर पीसेस हैं आपके स्केल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेम ऐसे ही उन्होंने भी अलग अलग ऑब्जेक्ट लिए, यहाँ पे प्लास्टिक का स्केल था, कागज के आपके पीसेस थे, दोनों आपस में अट्रैक्शन शो कर रहे थे। इसी तरीके से उन्होंने बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट लिए और उनके बीच में आपका ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर उन्होंने निष्कर्ष दिया, निष्कर्ष में उन्होंने ये बताया कि जो वैद्युत आवेश होता है आपका, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच में घर्षण बल कार्य करता है, फ्रिक्शन फोर्स। इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, दो सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल आपका घर्षण बल। उसकी वजह से पार्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, यानी आपका कणों का स्थानांतरण होता है। जब आप रगड़ते हो तो एक वस्तु से कण निकल के दूसरी वस्तु में जाते हैं, जिसकी वजह से ये अनबैलेंस हो जाते हैं, और जब आप इनको दोबारा पास में लाते हो तो ये अट्रैक्शन शो करते हैं। तो मेन जो उन्होंने बताया कि उन्होंने यही बताया कि जो वैद्युत आवेश आपका होता है, ये किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसकी वजह से वस्तु आपकी या तो कोई बल महसूस करती है या वो कोई बल आरोपित करती, उसी को क्या कहा जाता है, वैद्युत आवेश कहा जाता है। वैद्युत आवेश के सूत्र की और परिभाषा की बात करें तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेरे पास यहाँ पे देखिए नोट्स हैं। चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस तरीके से आपको लिखना है कॉपी में। फिर आप टॉपिक डाल देंगे वैद्युत आवेश, और ये वैद्युत आवेश की परिभाषा। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। इंग्लिश में भी मैंने मेंशन कर दिया नीचे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इट इज पॉसिबल फॉर देम टू एग्जर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। फॉर्मूले की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, जहां पर बच्चों क्यू आपका वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, एन स्मॉल एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। ये वैल्यू आपकी फिक्स होती है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो ये वैल्यू गिवन नहीं रहेगी, ये आपको खुद पता होना चाहिए। यूनिट की बात करें तो चार्ज का जो मात्रक होता है वो कूलम, डायमेंशन यानी विमा एटी, और कैसी क्वांटिटी है, कौन सी राशि है आपकी चार्ज, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसको इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला बच्चों आपने देख लिया, क्यू इज इक्वल टू एन ई, डेफिनेशन आपकी हो गई और जितनी भी चीजें आपकी यहाँ पर हमने मेंशन कर दी हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया क्यू इज इक्वल टू एन ई, इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। जैसे हमने आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है,
क्वेश्चन है आपका 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म अ चार्ज ऑफ 3.2 कूलम? ये वाला क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में 2011 में पूछा गया है। अब सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन में देखिए तो 3.2 यानी आपको चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। क्यू कितना दिया हुआ है आपको? 3.2 कूलम। यूनिट से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको क्या गिवन है। अभी आपने पढ़ा कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो कूलम का मतलब आपको चार्ज दिया हुआ है। क्या पूछा है आपसे? कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। और अभी हमने आपको फॉर्मूले में बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब हो गया एन, आपको एन निकालना है। और एक वैल्यू, जैसे फॉर्मूला आप लिखेंगे तो क्यू इज इक्वल टू एनी, तो आपके पास Q है, आपको N निकालना है। और E की वैल्यू आपको भी हमने बताया था कि गिवन रहेगी आपके पास 1.6 × 10⁻¹⁹। अगर बच्चों मान लीजिए आपको ये वैल्यू नहीं याद हो रही है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर आएगा, उसका जो लास्ट पेज होता है उसमें सारी वैल्यूज गिवन रहती है, वहां पर आपको E की वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज और आपने यहाँ देखा होगा, मैंने यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाया। माइनस का साइन हमने इसलिए नहीं लगाया कि जहाँ पर भी हम माइनस के साइन से किसी चीज़ की प्रकृति को डिनोट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर माइनस के साइन से ये डिनोट कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हम कोई विपरीत दिशा को दिखा रहे होते हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो वहाँ पर हम माइनस का साइन यूज़ नहीं करते, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ नहीं किया है। अब देखिए, क्वेश्चन में हमको एन फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूले को पहले एन बराबर बना लेंगे। तो एन इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो गया क्यू अपॉन ई, ई आपका डिवाइड रूल से इधर आ गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको क्यू दिया हुआ है, क्यू कितना है आपका 3.2, और ई की वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻¹⁹। सॉल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल आपने रिमूव कर दिया, टेबल आता है 16 का, 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, यानी हमारा आंसर जो सॉल्व होके जो वैल्यू हमारी आई वो आ गई 2 upon 10⁻¹⁹। अब इस −19 को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर हमारी प्लस में हो जाएगी और हमारा जो आंसर आ जाएगा यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाएंगे 2। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया, जब 10⁻¹⁹ को हम ऊपर ले गए तो हमारा आंसर आ गया एन इज इक्वल टू 2 × 10⁻¹⁹ का। इसी तरीके से सेम आपको दो क्वेश्चन और दिए हैं हमने होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, एक कूलाम आवेश को कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म अ चार्ज ऑफ 1 कूलम? ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया है। तो होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जैसे भी आपने ऊपर लगाया वैसे ही सेम क्वेश्चन आपका ये, इसको आपको करना है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सर्टेड टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विथ 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, जिनको आपको करना है, करके इनका आंसर फाइंड करना है और आंसर फाइंड आउट करके आपको हमें मैसेज करना है। बच्चों आज का होमवर्क आपको मिल गया, होमवर्क करके स्क्रीनशॉट लेके पिक क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर। थैंक यू।